हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार नई रेसिपी लेके आज हम बनाने वाले हैं एकदम यमी एंड टेस्टी डिलीशियस रेसिपी। आज हम बनाएंगे मैंगो रबड़ी। एकदम सुन के बहुत अच्छा लग रहा है ना, मैंगो से कितनी सारी चीज़ें बन जाती हैं। आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगी मैंगो से रिलेटेड। मैंने मैंगो के शेक, मैंगो की बर्फ़ी डाले हुए हैं, तो एकदम इजी तरीके से ये टेस्टी टेस्टी हम मैंगो की रबड़ी आज बना रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कैमरे से। देखिए, देखने में कितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। मज़ा ही आ जाएगा खाने में, और बनाना भी बहुत ही ईजी है। झटपट से ये बन करके तैयार हो जाता है, कुछ ही सामान से बन करके टेस्टी टेस्टी रबड़ी बन करके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंगो रबड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम इस तरह के कढ़ाई लेंगे, और इसी में हम ये 1 लीटर ये फुल क्रीम वाले मिल्क है ये, इसको हम डाल देंगे इसमें, और इसमें हम बॉयल डालने देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से दूध में भी आप देख सकते हैं बॉयल भी आ गया है, और इसको हम इसी तरह से बीच बीच में स्टर करते हुए इसको हमें गाढ़ा करना है। तो जो हमने 1 लीटर मिल्क लिए थे, ये कप में बताऊँ तो ये 4 कप ये मिल्क थे, और इसके हम एक पार्ट को जलाएंगे, इस तरह से गाढ़ा करते रहेंगे इसी तरह से बीच बीच में स्टर करते हुए। तो मैं इसके लिए ये फुल क्रीम वाले मिल्क ली थी। अगर आपको फुल क्रीम वाले मिल्क ना मिले तो आपके घर पे जो नॉर्मल मिल्क आता है आप उससे भी इसको बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बनेगा ये। बट अगर आपको फुल क्रीम वाले मिल्क मिले तो बहुत ही बढ़िया, उससे और ज़्यादा बढ़िया रबड़ी बनेगी। अब हम इस तरह का ये मैंगो लेंगे। ये हमने अल्फेंजो वाले मैंगो लिए हैं। आप कोई भी मैंगो ले सकते हैं जो आपके यहाँ इजीली मिले। हमारे यहाँ ये अल्फेंजो वाले मैंगो एकदम इजी तरीके से मिल जाते हैं, और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कोई कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, और मीठे भी बहुत होते हैं। तो मैं इसको धो करके इसका हम पल्प निकाल के इसकी प्यूरी तैयार करेंगे मिक्सर में डाल के। तो मैं इसकी प्यूरी तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इसको हमने काट करके इसमें डाल दिए। अब इसको कवर करके हम इसकी प्यूरी तैयार कर लेते हैं। अब ये हमने प्यूरी तैयार कर ली है, अब इसको हम साइड में रख रहे हैं। अब हम इस तरह का एक बोल ले लेते हैं, और इसी में मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ये कस्टर्ड पाउडर है वनीला फ्लेवर का। तो ये हमने 2 टेबलस्पून डाल दिए, और अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। तो बस इसमें मैं थोड़े से ये दूध डाल देती हूँ, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसमें हम 4 टेबलस्पून करीबन दूध डाल के इसको हम घोल लेंगे। तो बस इसको ही हम धीरे धीरे अच्छे से, इसमें कोई भी लम्स ना रहे, लम्स पूरे ऐसे अच्छे से घोल लेंगे तो लम्स नहीं रहेगा। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको भी हम साइड में रख रहे हैं। तो ये देखिए, दूध भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये गाढ़ा भी हो रहा है। अब इसको हम इसी तरह से और अच्छे से इसको 3-4 मिनट तक और थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। तो अभी मैं इसी स्टेज में इसमें इस तरह से ये शुगर ऐड कर दूंगी। तो ये 1/2 कप ये शुगर है, ये 3 टेबलस्पून शुगर है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपका जो मैंगो है कितना मीठा है, अगर मीठा थोड़ा कम है तो शुगर आप इस तरह से 1 या 2 टेबलस्पून शुगर बढ़ा सकते हैं, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस शुगर भी डाल के हम इस तरह से 4 से 5 मिनट तक और थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा होने देंगे। अब हम दूसरा बाउल ले लिए, उसी में ही हम ये 2 टेबलस्पून ये मिल्क पाउडर डालेंगे। इसको भी हम इस तरह से दूध डाल के इसको हम घोल तैयार करेंगे। तो इससे क्या होगा, रबड़ी में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा ही ये दूध ऐड कर रही हूँ, बस थोड़ा सा ये दूध डाल दे रहा है, इसको भी हम घोल ले रहे हैं अच्छे से। तो एक बस ये चम्मच लेके इसको हम मिक्स कर दे रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये 4 मिनट हो गए हैं, और इसको हमने अच्छे से इसको गाढ़ा कर लिए हैं। अब हम इसमें जो हमने मिल्क पाउडर का घोल तैयार किए हैं दूध डाल करके, उसको हम डाल लेंगे। तो इससे क्या होगा, रबड़ी में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। बस इस तरह से पहले हम इसको 1 मिनट तक अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें जो कस्टर्ड का घोल भी तैयार किया उसको भी ऐड करेंगे। पहले ये मिल्क पाउडर डाल के इसको अच्छे से घोल घुमा ले रहे हैं हल्का सा। तो बस इसी के साथ हम ये कॉर्नफ्लोर वाला भी इस तरह से ये दूध डालेंगे, और इसको लगातार इस तरह से हिलाते भी रहेंगे हम ये
तो इसको बस डाल करके हम 2 मिनट तक इसको हम अच्छे से गाढ़ा कर लेते हैं। अब ये हम इस तरह के 2 ब्रेड लिए, इसके साइड से हमने कट कर लिए और इसके हम भी पाउडर तैयार कर लेते हैं मिक्सर में डाल करके। तो ये देखिए दूध भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से गाढ़ा हो गया। और अब हमने ये जो ब्रेड के पाउडर तैयार किए थे इसको भी हम डाल करके 2 मिनट तक, बस ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट तक ही हम इसको इस तरह से लगातार चलाएंगे। तो ये देखिए ब्रेड डालने के बाद 2 मिनट हो गया, ये बढ़िया से आप देख सकते गाढ़ा हो गया। अब मैं इसी स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, अब इससे ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं करेंगे, ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। मैं बस फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको हम रूम टेम्परेचर में पहले ठंडा होने देंगे, फिर जो हमने इसमें मैंगो की प्यूरी तैयार करके रखी है उसको ऐड करेंगे। तब ये गर्म है इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, जब ये अच्छे से रूम टेम्परेचर में अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम ऐड करेंगे। ये हमारी रबड़ी भी आप देख सकते हैं ठंडी भी हो गई है, ये रूम टेम्परेचर में ठंडी हो गई। अब हम इसमें मैंगो ऐड करेंगे, तो बस इसको हम ये जो मैंगो की ये प्यूरी बनाए थे इसको हम पूरा इसमें डाल दे रहे हैं। तो ये हमने 2 मैंगो की ये प्यूरी तैयार किए थे, अब इसको डाल करके इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसी में। तो ये देखिए ये हमने मैंगो डाल करके मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है इसका, हमने इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई कलर ऐड नहीं किए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम एकदम दानेदार ये हमारी मैंगो रबड़ी बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्विंग ट्रे में सर्व करते हैं। अब हम इस तरह का कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, कोई भी बाउल कोई भी ले लीजिए, इसमें हम इसको डालेंगे और इसको फिर हम फ्रिज में डालेंगे ठंडा करने के लिए। रबड़ी क्या होता है ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है, तो इसको हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में डालेंगे। तो अभी तो ये नॉर्मल है रूम टेम्परेचर में है, तो बस इसको हम ये पूरा इसमें इस तरह से डाल दे रहे हैं। अब मैं इसको और थोड़ा सा टेम्पटिंग बनाऊंगी, इस तरह से गार्निश करूँगी पिस्ते की कतरन से। अगर आपके पास पिस्ते नहीं है तो आप इसको बादाम से भी कर सकते हैं, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसको बिना गार्निश के लिए भी बहुत बढ़िया लगता है ये। तो मैं इसी तरह से इसको अच्छे से पूरा गार्निश कर ले रही हूँ। तो ये देखिए टेस्टी टेस्टी हमारा ये मैंगो की रबड़ी बन करके तैयार हो गई है। अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये देखिए इसको हमने फ्रिज से निकाल लिया है, इसको हमने 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था, ये बहुत ही बढ़िया हो गई ठंडी ठंडी। तो ये फ्रेंड्स देखिए कितना इजी है ये हमारी मैंगो रबड़ी बनाना, आप देखिए। और अभी मैंगो का सीज़न है तो आप इस तरह से मैंगो लेके आइए और टेस्टी टेस्टी मैंगो रबड़ी बनाइए, खाइए। आपके घर पर कोई भी गेस्ट है उनको भी खिलाइए, उनको भी बहुत ही बढ़िया लगेगा, सब लोग आपकी तारीफ़ करते रह जाएंगे इस तरह से ये टेस्टी टेस्टी मैंगो की रबड़ी खाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।